सिर्फ बातें। तुम्हें कुछ नहीं आता है, दम है तो कुछ करो, करो कुछ। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो जैसा मैंने कहा है तुम्हें करना होगा। मार दो उसे, मेरा कहा मानो, और जो मैंने कहा है वो करो तुम। मार दो उसे। योर ऑनर, सारे गवाह और सबूत यही साबित कर रहे हैं कि खून प्रीतिका ने ही किए हैं। नहीं नहीं जज साहब, ये सब झूठ है। झूठ तो आप बोल रही हैं प्रीतिका जी, खून आप ही ने किए हैं। नहीं जज साहब, मैं बेकसूर हूँ जज साहब, निर्दोष हूँ मैं। योर ऑनर, योर ऑनर। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या कहना है तुम्हें। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त निलेश जी के पास अपने डिफेंस में पेश करने के लिए कुछ है ही नहीं। कोर्ट का कीमती वक्त जाया ना किया जाए। कोर्ट का वक्त बेशक कीमती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है एक बेकसूर इंसान की जिंदगी। मैं साबित कर दूंगा। मेरा कहा मानो और जो मैंने कहा है वो करो। ऑर्डर ऑर्डर। फैसला सुनाने से पहले अदालत 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। श्रीकांत, तुम्हें उसे मारना होगा, तुम कर सकते हो ये। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसका मरना जरूरी है। मार दो श्रीकांत, मार दो उसे, चलाओ गोली। कहना है कि प्रीतिका यहाँ पर थी जब जज श्रीकांत यहाँ पर आए और उन्होंने उस पर गोली चलाई। उसके बाद वो यहाँ पर आकर खुद को गोली मार दी। उस वक्त मतलब जब ये सब हो रहा था, उस वक्त यहाँ पर जो लोग थे वो कहाँ हैं? वो लोग कोर्टरूम में। जरा डिटेल में बताइए क्या हुआ यहाँ पर। सर, एक केस की सुनवाई चल रही थी। जज श्रीकांत जी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उन्होंने 2 घंटे का रिसेशन लिया और अचानक चेंबर में आए और उन्होंने अपने आप को और प्रीतिका को गोली मार दी। लेकिन वो गन तो रखते ही नहीं थे, उनके पास गन कहाँ से आई? ये तो हमें भी नहीं पता सर कि गन आई कहाँ से, लेकिन गन उनके पास थी जरूर सर। तो गन का इंतजाम पहले से कर रखा था। लगता है जज साहब ने पूरी प्लानिंग की थी कृतिका का खून करने की। लगता तो ऐसे ही है। वैसे जज साहब की इस केस में कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कृतिका के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? जज साहब तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे सर, केस के हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी से गौर करते थे सर। मुझे पिछले कई दिनों से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है उनके साथ। मैम, क्या जज साहब की तबीयत ठीक नहीं थी? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां उनको कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सब हम एक बार आ जाइए श्रीकांत, खाना लगा रही हूँ। पड़ोसियों की जुबान पे लगा भी नहीं, जब देखो अनाप शनाप भगते रहते। अरे क्या हुआ श्रीकांत, इतना क्यों चिढ़ रहे हो? पहले जाके इन पड़ोसियों का मुंह बंद करो, नहीं सुननी मुझे उनकी बकवास। कैसी बातें कर रहे हो श्रीकांत, पड़ोसी के बेचारे पिछले 1 महीने से लंदन गए हुए और उनकी आवाज यहाँ तक कैसे आ सकती है? कुछ भी बात कर रहे हो आप। श्रीकांत कौशल, पता नहीं श्रीकांत को क्या हो गया है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। और पता है तुम्हें, उसे पड़ोसियों की आवाज सुनाई दे रही है जबकि वो घर बंद है, वहां पे कोई नहीं है। किसे बता रही हो सर, किसे बता रही हो? और तुम क्या समझती हो, तुमसे झूठ बोल रहा हूं मैं? पूरा बात ऐसे नाटक बंद करो, बताओ तुम लोगों ने इस घर में क्या छुपा रखा है, बताओ मुझे, बताओ। मैं सब जानता हूं,
सब जानता हूं मैं। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो ना? हैं? श्रीकांत ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? अपनी हालत देखो क्या बना के रखी है। पर यहाँ पे कोई नहीं है, किसकी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सुनाई दे रही है मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। यही है, यही है। लेकिन लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। कहीं उन्हें कोई दिमागी बीमारी तो नहीं थी? नहीं नहीं सर, 15 अप्रैल तक तो ठीक थे, लेकिन हम रेड कैंडी हॉस्पिटल गए थे ना, उसके बाद ये सब कुछ होने लगा था उनके साथ। रेड कैंडी हॉस्पिटल? जी सर। इस हॉस्पिटल में चल के पता करते हैं कैसा क्या हुआ था वहाँ पे कि ये जज साहब अचानक ऐसा बर्ताव करने लगे। सर इस केस में आखिर बचा ही क्या है? जिस आदमी ने खून किया उसी ने अपने आप को मार लिया। वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी, वही तो पता लगाना है कि एक जज ने अपने सामने वाले आरोपी को गोली क्यों मार दी, खून क्यों किया, और तो और उसके बाद में अपने आप पर भी गोली चलाई क्यों? हॉस्पिटल अथॉरिटी ने बताया कि जज श्रीकांत यहाँ पे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि डेंटिस्ट से मिलने के लिए आए थे। कौन है डेंटिस्ट? कौन है सर? डॉक्टर रमन। हेलो सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप डॉक्टर रमन को बुलाइए और उनके असिस्टेंट को भी। डॉक्टर रमन, 15 अप्रैल को जज श्रीकांत आपसे मिलने आए थे ना यहाँ? जी हाँ सर, लेकिन सर उनकी मौत से मेरा क्या लेना देना, मुझसे सवाल क्यों? देखिए हम बस ये जानना चाहते हैं जब वो आपसे मिले थे तो वो दिमागी तौर से बीमार लग रहे थे? नो सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। सर उनको दिमाग की कोई बीमारी नहीं है और 9 साल से डॉक्टर रमन के पेशेंट है वो। 9 साल से? मतलब आप लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत कुछ नहीं सर, सब कुछ। कुछ और क्या जानते हैं जरा बता सकते हैं? सर अभी बताने के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता था। बट He was not delusional. अगर उन्हें कोई दिमागी बीमारी नहीं थी तो फिर उन्हें वो आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी? क्या हुआ क्या था उन्हें? पर सर आप इसमें मेडिकल एक्सप्लेनेशन क्यों ढूंढ रहे हैं? हम लोग इतने मेडिकल एक्सप्लेनेशंस क्यों ढूंढ रहे हैं? दया, कोई भी आम इंसान ऐसे ही अचानक से उठकर किसी पर गोली चलाता है, क्या ये नॉर्मल हो सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो हुआ है। पर क्या? वीरेन तुम बेकार की चिंता करते हो, धनंजय की सिक्योरिटी टीम हमारे साथ है, हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। वो बात तो ठीक है लेकिन आपको धमकियां मिल रही हैं। देखो वीरेन, हमारे कामों में धमकियां मिलती रहती है और ऐसी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता है। देखो डर तो मुझे भी नहीं लग रहा क्योंकि मुझे धनंजय और उसकी टीम पे पूरा भरोसा। सर हमने हॉल के 500 मीटर तक लोगों के जाने पर रोक लगा दी है और हर जगह सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। ये बहुत आसान है धनंजय, कायर मत बनो, हम जानते हैं इस काम को तुम पूरा करोगे, वो भी अपने हाथों से। तुम सुन रहे हो ना धनंजय, तुम बुजदिल नहीं हो, नहीं हो तुम बुजदिल, कायर मत बनो, इस काम को तुम पूरा करोगे। सर क्या बता रहे थे तुम ब्लॉक बी के अरेंजमेंट के बारे में? सर मैं ब्लॉक बी के बारे में बात नहीं कर रहा था। सर आप ठीक है ना? आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूं। धनंजय तुम्हें उसे मारना होगा, वक्त कर दो उसे, मार दो धनंजय, मार दो। गाड़ी रोको। ये इसने गाड़ी क्यों रोक दी? सर क्या हुआ? शाबाश धनंजय, अपना मिशन पूरा करो, मार दो उसे। जा रहे धनंजय, तुम गायब नहीं हो, तुम
धनंजय यहाँ क्यों आ रहा है? मार दो धनंजय, उसे गोली मार दो, सोचो मत। मैं देखता हूँ। ओके। क्या बात है धनंजय, गाड़ी क्यों रुकवा दी? ओह माय गॉड, संजीव जी आपको क्या हो गया? धनंजय ये क्या कर दिया तुमने? नेताजी के सिक्योरिटी का इंचार्ज वही था जी सर, धनंजय जी वही इंचार्ज थे। कमाल है सर, जिसे बॉडीगार्ड रखा है उसी ने मार दिया। नेताजी को मारने की कोई खास वजह? सर ये तो धनंजय जी ही बता पाएंगे। इसे ही बात बताओ, गोली अंदर मारी या बाहर से? सर बाहर से मारी, कार के। धनंजय, धनंजय सदमे में लगता है सर। तुम लोग क्या कर रहे थे? सर नेताजी की चिल्ड्रन फाउंडेशन की मीटिंग थी, वहां जा रहे थे। हमारी गाड़ी आगे थी और नेताजी की कार पीछे, और मैं धनंजय जी से नेताजी की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा था, पर ये मेरी बातों में ध्यान नहीं दे रहे थे और कुछ खोए खोए से लग रहे थे। सर इनके चेहरे में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो कुछ बहकी बहकी सी बातें करने लगे। सर जशीकांत के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, तो ये दोनों केस एक जैसे तो नहीं? और कोई साथ भी था नेताजी के? वीरेन जी सर। वीरेन जी? जी सर। आप नेताजी के साथ थे ना? हाँ सर मैं ही था। नेताजी ने आपको कुछ बताया इस धनंजय के बारे में? सर नेताजी हमेशा धनंजय की तारीफ किया करते थे, उनकी जान को खतरा था। अभी कुछ दिन पहले ही धनंजय ने उनकी जान बचाई थी। बड़ी अजीब बात है सर, कुछ दिन पहले जिस आदमी ने नेताजी की जान बचाई आज उसी ने उनका खून कर दिया। गोली मारने के बाद धनंजय ने भागने की कोशिश की? नहीं सर, खुद को गोली मारने की कोशिश की थी सर, बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी वालों ने उन्हें रोका था सर। कमाल है सर, जज श्रीकांत ने खून करने के बाद अपने आप को गोली मार दी और इसने भी अपने आप को गोली मारने की कोशिश की। काम करते हैं धनंजय को ब्यूरो ले चलते हैं, वहीं से उससे पूछताछ करेंगे। और फिर एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, खून करने के बाद खूनी अपने आप को गोली मार लेता है क्यों? बस डॉक्टर बीना, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी में रिसर्च कर रही है। हाँ, इन्हें दोनों केस के बारे में बता दिया? यस बॉस। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। श्री नेताजी के सिक्योरिटी इंचार्ज धनंजय की माँ। उसे यहाँ क्यों लाए हो? देखिए, आपके बेटे ने नेताजी का खून किया है। जी नहीं, मेरा बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता, वो तो खुद बीमार है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या क्या बीमारी आपके बेटे को? पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ कुछ आवाजें सुनाई देती है। धनंजय क्या बात है बेटा, बड़े परेशान लग रहे हो, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई टेंशन? दो दिनों से तुम मेरे साथ भी ठीक से बात नहीं कर रहे हो। कोई तो है यहाँ। सुनो ना, मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी बना रही हूँ, पालक की। इस घर में कोई तो है जो मुझसे बात कर रहा है। अरे मैं ही को बड़बड़ा रही हूँ, दूसरा कौन बात करेगा घर में? कोई तो है हमारे अलावा इस घर में जो मुझसे बात कर रहा है माँ। माँ कोई तो है इस घर में हमारे अलावा? माँ मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई मुझसे बात कर रहा है। हम दोनों के सिवा कोई नहीं है बेटा घर में। कोई है जो मुझसे बातें कर? बंद हो गई आवाज।
फिर से आ रही है। कोई तो है माँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे कोई तो है माँ यहाँ पर। कोई नहीं है बेटा, तुम यहाँ आ जाओ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो स्किजोफेनिया में होता है। स्किजोफेनिया? हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्किजोफेनिया एक मानसिक बीमारी होती है। ऐसे में पेशेंट को बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, लोग ना होने के बावजूद भी दिखाई देते हैं, और पेशेंट अपने आप को मारने की कोशिश भी करता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों पेशेंट की उम्र क्या थी? श्रीकांत जी की उम्र 50 साल और धनंजय 42 साल का। लेकिन इस उम्र में स्किजोफेनिया नहीं होता। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मुझे पेशेंट से बात करनी है। हाँ बिल्कुल, पूर्वी। धनंजय, तुमने संजीत को क्यों मारा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। धनंजय, तुमने संजीत को क्यों मारा? मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जो मुझे उकसा रही थी। कह रही थी कि मैं बुजदिल हूँ, कायर हूँ, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। और उस आवाज ने मुझे इतना उकसाया कि मैंने खून कर दिया। और ये तुम्हारा गाल? ये गाल क्यों सूजा हुआ है? मेरे दांत में इंफेक्शन है। जज श्रीकांत, उनके दांत में भी इंफेक्शन था सर। अब मेरे बेटे के भी दांत के इलाज के बाद ही उसकी तबीयत खराब रहने लगी। क्या? दांतों का इलाज करवाया उसके बाद में तबीयत खराब हो गई? किस डेंटिस्ट के पास इलाज करवा रहा था वो? डॉक्टर रमन, रेड कैंडी हॉस्पिटल। रेड कैंडी हॉस्पिटल गए थे ना, उसके बाद ये सब कुछ होने लगा था उनके साथ। है ना बड़ा अजीब कोइंसिडेंस। धनंजय और श्रीकांत दोनों का भी दांत का प्रॉब्लम, दोनों का डेंटिस्ट भी एक, और ट्रीटमेंट के बाद दोनों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। ये कैसा कोइंसिडेंस? गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस धनंजय और जज श्रीकांत के दांतों का एक्सरे निकलवाओ, पता तो चले सारा चक्कर है क्या। ये क्या हो सकता है सर? ये देखिए। क्या? ये मार्क्स। हाँ यार, दांतों में ये क्या है? फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसा। एग्जैक्टली, ऊपर से दोनों आदमियों के दांतों में। दोनों आदमियों के दांतों में कुछ फॉरेन बॉडी जैसा कुछ। क्या हो तारिका, एक काम करो, एसीपी साहब को फोन कर दो, उन्हें बोल दो कि केस की जड़ मिल गई है। ये देखो बॉस, दोनों के दांतों में इस तरीके की चिप। ये तो बग है। हाँ, ये बग ही है सर। ये तो जासूसी में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसमीटर जैसा कुछ है। बॉस, इसके जरिए ही श्रीकांत और धनंजय को वो आवाजें सुनाई देती थी। तो ये चिप ट्रिगर का काम कर रही थी, इसी के जरिए वो उकसाने वाली आवाजें उनके कानों तक पहुंच रही थी, और वो लोग किसी की जान तक लेने को मजबूर हो गए। मुझे तो लगता है ये काम डॉक्टर रमन का ही है। उन्होंने ही दांतों की ट्रीटमेंट की थी। पूछताछ करनी पड़ेगी डॉक्टर रमन से, और एक एक्सपर्ट को भी बुला, ट्रांसमीटर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं उससे। डॉक्टर रमन, दांत में ट्रांसमीटर लगाने का काम कब से शुरू कर दिया आपने? ट्रांसमीटर? हाँ, किस ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं आप सर?
उसी ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं जो जज श्रीकांत और सिक्योरिटी ऑफिसर धनंजय के दांत में फिट किया गया था। देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई ट्रांसमीटर नहीं लगाया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? दांतों में ट्रांसमीटर क्यों लगवाएंगे? सर आप हमारे हॉस्पिटल को बर्बाद करने पे तुले हैं। डॉक्टर रमन हमारे हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर हैं सर, ये इस तरह का काम हरगिज नहीं कर सकते। और इस तरह का काम यहाँ पे हुआ तो है, हमें श्रीकांत और धनंजय के दांत से ये ट्रांसमीटर मिला है। और इन्हीं ट्रांसमीटर्स की वजह से वो दोनों भी सिज़ोफ्रेनिक बन गए। सर वो दोनों मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं, श्रीकांत 9 साल और धनंजय 2 साल। सर भला मैं अपने पेशेंट के साथ ऐसा क्यों करूं? ये तो आप बताइए ना, क्यों लगाया ट्रांसमीटर? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई ट्रांसमीटर नहीं लगाया। क्योंकि डॉक्टर रमन के पास ट्रांसमीटर बनाने और उसे मोलार इम्प्लांट्स की ट्रेनिंग ही नहीं है। ये सिर्फ डॉक्टर हैं, दांतों के अच्छे डॉक्टर। और सर हम यहाँ पे दांत लगाते हैं, बनाते नहीं। दांत तो बाहर से ऑर्डर देने पे आता है। कहाँ से ऑर्डर करते हैं आप ये दांत? डेंजा बायो केयर। प्रेडी अंकल, डॉक्टर रमन की चेंबर्स अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो। और कितने लोगों के दांत इम्प्लांट किए हैं? जी लगभग 20 लोगों का। अच्छा, तो सभी लोगों के नाम और पता चाहिए हमें। हो सकता है इन 20 लोगों की जान को खतरा हो। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। यही कि ये ट्रांसमीटर जितना छोटा है उतना ही पावरफुल है। कितनी रेंज है इसकी? सर इसकी रेंज यही कोई 15 से 20 मीटर है। यानी अगर इस ट्रांसमीटर से किसी को कम्युनिकेट करना है तो उसे 15 से 20 मीटर के दायरे में रहना होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये ट्रांसमीटर कितने हर्ट्ज पे काम करता है। तो बस पता लगाओ कितने हर्ट्ज पे काम करता है ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी एक्टिव होगी वहीं पर हमारा खोज ही होगा। ठीक है सर, आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये कहानी आके रुक जाती डॉक्टर रमन के नाम पर, सारा का सारा शब्द डॉक्टर रमन पे ही है। लेकिन सर वो अपने पुराने पेशेंट का खून क्यों करेगा? हाँ सर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा था कि ऐसा ट्रांसमीटर बनाने की काबिलियत डॉक्टर रमन ने नहीं है। तो शक के घेरे में तो ये कविता और वीरेन भी है, हो सकता है इनमें से किसी ने मारा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो भी है वो 15 और 20 मीटर के दायरे में ही काम कर रहा है। उन 20 लोगों के बारे में क्या पता चला? जी सर, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ तक कि श्रीकांत और धनंजय ये भी एक दूसरे को नहीं जानते। फिर भी अभी उन 20 लोगों से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या उनके साथ भी वैसे हो रहा था जैसे धनंजय और श्रीकांत के साथ हो रहा था क्या। और एक बात, लॉर चेंबर और चेंबूर पता लगा वहां पर कितने सेलफोन एक्टिव थे उस खून के दौरान। और देख उस दांत बनाने वाले कंपनी में जाकर पूछताछ करो, देखो कौन हो सकता है जो दांत में ट्रांसमीटर फिट कर सकता है। विनय आपका ही नाम है? जी हाँ, मेरा ही नाम है। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। हम CID से। सर मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, अब गलती नहीं हुई। एक्चुअली एक केस के सिलसिले में हम कुछ पूछताछ करने आए हैं। आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी ना? हाँ, ये इलाज कहाँ कराया था आपने? रेड के डी हॉस्पिटल। इलाज के बाद से कोई कुछ तकलीफ हुई है? कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हों या जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है कुछ करने के लिए? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार दर्द हुआ था। वो तो नॉर्मल है, दांत लगवाएंगे तो थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। ठीक है, अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो फौरन हमें बताइएगा। और हाँ, किसी अनजान आदमी के बहकावे में नहीं आना है, और किसी के बुलाने पे किसी अनजान जगह नहीं जाना है। ओके जी, ध्यान रखिएगा। जी सर। डॉक्टर रमन बहुत अच्छे हैं, दांत लगाने के बाद से मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं है। आपको आवाजें सुनाई दे रही? क्या मतलब है इसका? नहीं, जिन जिन लोगों को भी डॉक्टर रमन ने दांत लगाए उनमें से कुछ लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ भी हो आपके साथ तो आप हमें प्लीज इन्फॉर्म करिएगा। या श्योर। आप लोग यहाँ पे दांत बनाते हो या मिनिएचर ट्रांसमीटर? क्या मतलब सर? मतलब ये कि यहाँ पे दांतों में ट्रांसमीटर फिट किए जाते हैं, खून करने की साजिश रची जाती है यहाँ पे। नहीं सर,
आप लोगों को गलतफहमी हो गई है, हम इस तरह के इल्लीगल काम नहीं करते हैं। इल्लीगल काम हुआ है यहाँ पे, ये देखिए रेड कैंडी हॉस्पिटल में आप लोगों ने दांत भेजे थे ना? जी हाँ मैडम। उसके अंदर ट्रांसमीटर फिट किए गए थे। जज श्रीकांत और सिक्योरिटी ऑफिसर धनंजय, उनके दांत यहीं पे बने थे ना? एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ सर, दांत तो यही बने हैं, लेकिन अगर वो हमारी एम्प्लॉय रूपाली होती जिसने ये दांत बनाए हैं तो सच्चाई पता चल जाती। कहाँ है आपकी वो एम्प्लॉय रूपाली? वो तो कल रात गुजर गई। कैसे गुजर गई? उसे अस्थमा अटैक हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसे कभी अस्थमा था ही नहीं। जी हाँ सर, उसके घर का एड्रेस देना सर। दांत कब लगवाया आपने? सर 2 महीने हो गए। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जब से दांत लगाया सब ठीक है सर। नहीं, कुछ आवाजें सुनाई दे रही हो अजीब अजीब सी। नहीं सर, पर हुआ क्या सर? देखिए रेड कैंडी हॉस्पिटल में जितने लोगों ने भी ट्रीटमेंट कराया उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनमें से 2 जन की तो मौत भी हो चुकी है। सर सर मैं मरना नहीं चाहता सर। नहीं आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हों या फिर कोई ऐसा आदमी दिख रहा हो जो है नहीं, मतलब दूसरे बोल रहे हैं कि किससे बात कर रहे हो, तो अगर ऐसा कभी हो तो फौरन हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। और कितने लोग बचे पंकज? सर चेक करने के लिए और 5 लोग बचे सर। 5ों को भी जल्दी से जल्दी चेक करना होगा। क्या पता उस हत्यारे का अगला निशाना इन्हीं में से कोई हो। हाँ सर। भाई पता चला कि नहीं कुछ? सर सर मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया, बस थोड़ी सी देर और सर। सर हाँ फिर जज श्रीकांत और संजीत का संबंध है सर। अच्छा कैसा संबंध है? सर ये केस फाइल देखिए, 2009 में एक डॉक्टर रिसर्च कर रहे थे लेकिन उसकी ग्रांट नेताजी संजीत ने कैंसिल कर दी। अरे डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैंसिल किया नेताजी संजीत ने और उसे सजा सुनवाई जज श्रीकांत, नाम है डॉक्टर ललित। सर ये डॉक्टर ललित है कौन? पता लगाना पड़ेगा ये डॉक्टर ललित है कौन और किस बात को रिसर्च कर रहा था। तो आपकी बेटी ने टूथ इम्प्लांट करवाया था? हाँ अभी 2 दिन पहले ही कराया था इम्प्लांट रेड कैंडी हॉस्पिटल से। सर जिस दिन से टूथ इम्प्लांट करवाया है अजीब अजीब बातें करती है और बहुत डरी हुई भी है। मॉम, मॉम, क्या हुआ? कुछ चाहिए? कोई आया क्या घर में? कोई भी तो नहीं। नहीं मॉम, कोई तो है घर में। मैं हूँ, तुम हो और पापा तो हांगकांग में है, और कोई आएगा तो बेल बजाएगा ना? बेल भी तो नहीं बजी है। पता नहीं मॉम क्या हो रहा है, जब से सोकर उठी हूँ ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है और मेरे बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं मुझसे, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत तो ठीक है, कोई सपना देखा क्या? नहीं मॉम, कोई सपना नहीं देखा। लगता है मेरे कान बज रहे हैं। मॉम प्लीज एक काम करो, मुझे एक चाय दे दो मेरे रूम में, मेरा सर घूम रहा है। तो अभी जिया कहाँ है? उसे मैंने साइकेट्रिस्ट के पास भेजा है बैंड्रा। देखिए आप उस साइकेट्रिस्ट का एड्रेस दीजिए, हमारा अभी उससे मिलना बहुत जरूरी है। नंबर ले लो। जिया आज तुम्हें वो काम खत्म करना है, तुम्हें उसे किसी भी हालत में मारना है, जिंदा मत छोड़ना उसे, मार दो उसे, आज उसका अंत होना ही चाहिए। कहाँ जाएंगे मैडम? जेके मार्केट, उसे कहो तुम्हें जेके मार्केट जाना है। मैंने कहा मैडम कहाँ जाएंगे? जेके मार्केट। जी बैठिए। मैं डरपोक नहीं हूँ और
मैं किसी को नहीं मार सकती। मैडम आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ नहीं कहा मैंने। मैं कहाँ बात कर रही हूँ? जिया तुम्हें उसे मारना होगा, तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। तुम्हें उसे मारना होगा जिया, मारना होगा तुम्हें। नहीं मैं किसी का खून नहीं करूंगी, किसी का भी नहीं। अरे भैया गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मैंने कहा है मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अगर ले जाना ही नहीं था तो बैठाया क्यों? मैडम आप उतरती है या मैं गाड़ी से उतर जाऊं? सर वॉचमैन और पड़ोसी बता रहे थे कि रूपालिया 3 महीने पहले शिफ्ट हुई थी और अकेली रहती। फिर चेक करते हैं अच्छी तरह से। ये क्या है? इतने सारे ईयर ट्रांसमिटर्स? डॉक्टर रमन के पेशेंट्स की पूरी डिटेल्स भी है इसमें। ये देखो सर, ये जिया तो वही है जिसके बारे में अभिजीत सर ने हमें बताया था। सर ये रूपाली, ये कहीं किसी की कठपुतली तो नहीं थे? हो सकता है, शायद कोनी को पता चल गया होगा कि हम लोग रूपाली तक पहुंच जाएंगे, इसलिए मार दिया उसे। जी संजीत विरेन और जिया, इन तीनों के चेहरे पे रेड सर्कल। नेताजी के चेहरे पे क्रॉस मारा हुआ। नेताजी तो मारे गए, अब बचे ये विरेन और ये जिया। मतलब अगला नंबर इनका है। आप जी ए, ये जिया साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए गई थी लेकिन वहां पहुंची ही नहीं है। अच्छा, हमें यहाँ रूपाली के घर में एक तस्वीर मिली है जिसमें नेताजी संजीत विरेन और जिया है। ये नेताजी के चेहरे पे तो क्रॉस मारा हुआ है पर इन दोनों के चेहरे पे लाल पेन से सर्कल बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिया विरेन को मारने के लिए गई है? एक काम करो, तुम विरेन को अलर्ट करो, पता करो वो कहाँ है। तब तक मैं जिया की लोकेशन ट्रैक करता हूँ और हम लोग मिलते हैं। ओके या चलिए सर, विरेन को फोन लगा। सर विरेन का फोन तो बंद है। सर मिल गया। हाँ सर, ये ट्रांसमीटर 1.8 मेगाहर्ट्ज़ से 2 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करता है। ग्रेट, 1.8 मेगाहर्ट्ज़ से 2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाँ सर। देख मेरी बात ध्यान से सुन लो। हाँ पहले तो फ्रेडी ने कमाल कर दिया है। हाँ रिसर्च करके ऐसा नाम निकाला है जिसका कनेक्शन इस नेताजी संजीत श्रीकांत के साथ है। उस आदमी का नाम है डॉक्टर ललित। हाँ डॉक्टर ललित, यस। मुझे तो ये डॉक्टर ललित ही बहुत गड़बड़ लग रहा है दया। मुझे तो उसी पे शक होने लगा है क्योंकि डॉक्टर ललित का कुछ साल पहले इस नेताजी संजीत ने प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और फिर इस डॉक्टर ललित को जज श्रीकांत ने सजा सुनवाई। और हुआ क्या, पहले कौन हुआ जज श्रीकांत का और फिर उसके बाद में नेताजी संजीत मारा गया। ये खून कौन कर सकता है? ये डॉक्टर ललित ही कर सकता है। उसी का कनेक्शन है इन दोनों के साथ। बस अब डॉक्टर ललित जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है वो फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई। हाँ टेक्नो एक्सपर्ट ने ये बता दिया है, 1.8 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 2 मेगाहर्ट्ज़ तक। बस अब इस फ्रीक्वेंसी पर हम टैप करेंगे डॉक्टर ललित को, पता चलेगा ये डॉक्टर ललित किस किस से बात करता है और क्या बातें करता है। और दया ये रेडियो फ्रीक्वेंसी 1.8 मेगाहर्ट्ज़ से 2 मेगाहर्ट्ज़,
हमारे सारे पुलिस स्टेशन और रेडियो वैन को बता दो। अब देखते हैं कब तक भागता है ये डॉक्टर ललित। फ्रीक्वेंसी पे कोई हरकत नजर नहीं आ रही। जब भी बोलेगा पकड़ा जाएगा। पूरी मुंबई इस फ्रीक्वेंसी को हर 5 किलोमीटर में ट्रैक कर रही है। अगर जिया वीरेन को मारने निकली है तो वो खूनी 1.8 या 2 पे जरूर आएगा। जाओ जिया, अपने काम को अंजाम दो। ये कौन हो सकता है जो संजीत के खूनी के बारे में मुझे बताने के लिए यहाँ बुलाया? जिया, उसे मारना होगा तुम्हें। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ज्यादा सोचो मत, मार दो जिया, उसे मार दो। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसकी तरफ देखो, पहचानो उसे, वो तुम्हारे सामने है। Kill him। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसी की आवाज है। फ्रीक्वेंसी लोकेट करो। देखो, अपनी बैग से गन निकालो। जिया, तुम कायर नहीं हो। शूट हिम, शूट हिम। लोकेशन क्या बता रहा है सर? जेडी मार्केट मरोल दिखा रहा है। कम ऑन जिया, मारो मारो उसे। उसे जीने का कोई हक नहीं। बहादुर लड़की हो जिया, डरो मत। चला दो गोली, मारो उसे। ट्रिगर दबाओ जिया। से ये क्या हो रहा है? ये मुझे क्यों मारना चाहती थी? किसी ने मुझे फोन करके बुलाया कि संजीत की खूनी के बारे में बताने वाली थी। घबराइए नहीं, ये सब एक प्लान था। आप अभी सेफ हैं, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो खूनी यहीं कहीं होगा, भीड़ में मिक्सअप हो गया है। सिग्नल यहीं है, देखते हैं। हेलो, अभिजीत बोल रहा हूँ। कभी हमसे भी मिल लिया करो। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? तेरे पीछे हूँ। डॉक्टर ललित, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर पवन। मुजरिम चाहे कितने भी नाम बदल ले, चाहे कितने भी भेष बदल ले, एक ना एक दिन शिकंजे में फंस ही जाता है। क्यों, चलो। जज श्रीकांत और नेताजी संजीत, इन लोगों का खून क्यों करवाया तुमने? से बदला लेना चाहता था, बदला। लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कैसा बदला? मैं एक होनहार डॉक्टर हूं। मैं स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी पर उसके ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो भी वर्थलेस लोगों पर। मेरी असिस्टेंट जिया ने HOD वीरेन को कंप्लेन कर दी और HOD वीरेन ने नेताजी संजीत से मेरी ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी। और नेताजी संजीत ने तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट रुकवा दिया? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। तो फिर जेल किस लिए गए थे तुम? मेरी लापरवाही की वजह से एक आदमी की मौत हो गई थी। जब श्रीकांत ने मुझे बिना कुछ सोचे समझे 10 साल की सजा दे दी, सिर्फ
मुझे डॉक्टर होने का रुतबा छीन गया मुझसे। तो इन लोगों को मार के अपना खोया हुआ रुतबा हासिल कर रहे थे तुम। रमन और रूपाली, इन दोनों का क्या इन्वॉल्वमेंट था? जैसे बाहर आने के बाद मैंने अपने दुश्मनों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। मैं उनके अंदर एक डिवाइस फिट करना चाहता था जिससे उनको कुछ पता ना लगे। डॉक्टर रमन और रूपाली मेरी इसमें मदद कर रहे थे। उन लोगों ने कैसी मदद की? जब श्रीकांत और जिया को दांतों में प्रॉब्लम थी, वो अपने चेकअप के लिए डॉक्टर रमन के क्लिनिक पे जाते थे। नेताजी संजीत के दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उनके बॉडीगार्ड धनंजय को दांतों में प्रॉब्लम थी। मैंने उसे फ्री डेंटल चेकअप का लालच दिया और डॉक्टर रमन के क्लिनिक पे भेज दिया। डॉक्टर रमन ने उन्हें नया दांत लगाने की सलाह दी और मेरे कहने पर रूपाली ने उनके दांतों में डिवाइस फिट कर दिया। और रूपाली ये सब करने के लिए मान गई? हाँ, क्योंकि मैं रूपाली से प्यार करता था। हम दोनों ने मिलकर डेंटल क्लिनिक खोला था। रूपाली इस काम में मेरी मदद कर रही थी। तो फिर उसका खून क्यों किया तुमने? क्योंकि जब श्रीकांत और नेताजी के मरने से आप उस तक पहुंच जाते और वो मेरा नाम ले देती, इसलिए मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया। फिर बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने? इतनी सफाई से खून किए, पर फायदा क्या हुआ? आखिर में पकड़े गए ना? मेरा मिशन किसी को मारना नहीं था सर, मैं बस अपने आप को जीने साबित करना चाहता था। मैं चलते फिरते इंसानों को हथियार बना सकता था। अगर यही दिमाग किसी अच्छे काम में लगाते तो आज मुजरिम नहीं बनते और जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.